Assalamualaikum, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ कि आप सब बिल्कुल फिट एंड फाइन होंगे। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज है बाजी, मतलब कि बकरीद का दूसरा दिन, और आज जो मेरा आउटफिट है वो आप लोगों ने पिछली बार शायद देखा या नहीं देखा, दैट डजंट मैटर। बट फटाफट से पहले मैं जाती हूँ, नहा के आती हूँ, एंड देन आई विल शो यू गाइस कि मेरा आउटफिट कैसा है। गाइस, कल तो मुझे इतनी ज़्यादा परेशानी हुई ना अपने हेयर स्टाइल बनाने में, क्योंकि जैसे मैं हेड वॉश करती हूँ उस दिन मेरा हेयर स्टाइल बनता ही नहीं है। मतलब बाल इतने ज़्यादा उड़ने लगते हैं ना, मैं क्या बताऊँ। सो लेट्स सी कि आज क्या होता है, आज हम लोग कैसे अपने हेयर डिज़ाइन करेंगे, हेयर डू कैसे बनाएंगे। सबसे पहले, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, जल्दी आकर सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, एंड बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करना मत भूलना। मैं फटाफट से आती हूँ जस्ट अभी शावर लेके, देन आई विल मीट यू गाइस। और कल का ब्लॉग थोड़ा छोटा बना था, क्योंकि ज़्यादा हुआ नहीं था, और हुआ भी था तो मैं थोड़ा ब्लॉग लेना भूल गई थी। क्या जब आपके कजन्स हो, फ्रेंड्स हो, तो आप जब इतने ज़्यादा गॉसिप करते हो, बातें करते हो, आपको पता ही चलता कि मतलब आपको दूसरा काम भी कर लेते इस वजह से। बट बाय द वे, फटाफट से ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। जितना ज़्यादा अच्छा ये ब्लॉग बन सकता है मेरी तरफ से, जितना मैं आपको एंटरटेन कर सकती हूँ पक्का करूँगी। तो फटाफट से कंटिन्यू करते हुए जल्द से बस शावर ही कहती हूँ, देन आई विल मीट यू। दिस इज माई फाइनल आउटफिट। ये आप लोगों ने देखा होगा जो मैंने पिछली ईद पर पहना था, थर्ड डे पे, तो मैं भी आपको वो दिखाऊंगी। एंड नीचे आई हैव दीज पजामास, जिसके ऊपर ये दोनों के ऊपर ही ऐसा वर्क हुआ है, विच लुक सुपर ग्रेट। तो आप लोग, आप लोगों को वाला लुक कैसे लगा? आप जैसे कि आज जुम्मा है, तो उस पर मैं नमाज पढ़ लेती हूँ। आफ्टर दैट आई विल मीट यू गाइस। मैंने नमाज वगैरह पढ़ ली है, अभी बहुत तेज़ बारिश हुई है, धूप बनी हुई है, तो उसमें थोड़ा मज़ा आया। लेकिन ना अभी थोड़ी ज़्यादा गर्मी होने लगी है एकदम ही, तो मतलब बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है मुझे चेहरे पर, थोड़ा खाना खा लेते हैं। आज पहले मैं खाना वगैरह खा के उसके बाद निकलूँगी जहाँ पे मुझे जाना होगा। देन आई विल शो यू गाइस मैं जा कहाँ जा रही हूँ। यार, एक तो जाने वाने की कोई अच्छी सी जगह नहीं मिलती मुझे, और मिलती है तो भी जाने वाला नहीं मिलता, तो पता नहीं बहुत ही अजीब सा एक। अभी लंच बन रहा है आलू गोश, तो फटाफट से अभी थोड़ी देर में वो खा के पी के देन मैं तैयार होंगी। उसके बाद हम लोग फटाफट चलेंगे जहाँ पर भी हमें जाना होगा। तो उसके बाद ना क्या होगा, मैंने एक भी ट्रांजिशन रील नहीं बनाई है, और ना मतलब मैंने इंस्टा पे कुछ दिनों से कुछ भी रील पोस्ट नहीं करी है, बिकॉज आई डोंट हैव सच टाइम। मतलब जब से मैं एक नए स्टैंडर्ड में आई हूँ ना, जब से मेरे दिन पलट गए, वो बोलते हैं ना, मैं बहुत ज़्यादा बिजी पर्सन बन चुकी हूँ। आई डोंट नो व्हाई, बट कोई बात नहीं, मैं अपने आप को फ्री करूँ। गाइस, अगर आप लोग भी तेरे विन के फैन हो तो मुझे कमेंट में ऐसा एक हार्ट ज़रूर भेजना। आई लव तेरे विन, आई लव मुझसे, आई लव मेरा। सड़कें घूम रहे हैं, आप ये कह सकते हो बड़ी प्यारी सड़कें हैं। हाँ, अच्छी तो है, और थोड़ा मौसम भी अच्छा है तो मज़ा आ रहा है। बट अभी कहीं पे जाते हैं क्योंकि हमारा बहुत मन है कहीं पे जाने का, फटाफट से हम लोग वहीं पे जाते हैं। बहुत ज्यादा देर बाद फोन वगैरह इन लोगों के पास, oh my God, इनके पास फोन नहीं है, वो लोग कहीं और जा रहे हैं, हम लोग कहीं और जा रहे हैं, पागल हो गए हैं, इनके पास फोन नहीं। रुक जा, रुक जा। आपको हर जगह हरी 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 हरियाली दिखने वाली है, बट कोई बात नहीं, लेट्स सी इफ हमें आगे और कुछ दिखते हैं। तो हरियाली के अलावा सामने वो एक मैदान है, पता नहीं क्या है, व्हाटएवर, तो अभी हम वहाँ पे जाएंगे, देन आई विल शो यू। आज का दिल्ली का फेमस, तो हम लोग यहाँ पे आए हैं बहुत सारे डिसीजन लेने के बाद, एंड वी आर गोइंग। वाओ यार, दिस लुक सो ब्यूटीफुल। मतलब यहाँ पे सिर्फ चलने चलने का ही काम रह गया हमारा, क्यों आप ही जा रहे हैं, थोड़े से मज़े ले रहे हैं। तो अभी फटाफट आपको और आगे चल के दिखाते हैं व्हाट इज़ इन राजघाट हम, और इधर है पार्क, इतना लंबा कलम्बा मैदान, सो लेट्स गो एंड लेट्स सी व्हाट हैपन। क्योंकि ना देखो, अभी मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, लेकिन जब ऐसी जगह आती है ऐसे कज़न्स हो तो मज़ा आ जाता है।
know it. आ चुकी हैं क्योंकि उनको कहीं जाना है और अभी हम लोग यहाँ पे हैं तो मतलब ये थोड़ा अच्छी अच्छी फील। अरे यार बताओ तो आप लोगों को कैसा फीलिंग आ रही है? अरे चलो हम लोग आगे चलते हैं। तो मजा आ जाएगा, बहुत ज्यादा हवा की मतलब सैंडल्स की आवाज ज्यादा आ रही है हमारे से ज्यादा और यहाँ पे नेचर की आवाज थोड़ी ज्यादा अमेजिंग लगता है ना। जो उनकी भी सुना मतलब कितना सही व्यू लग रहा है। और अभी मेरी बहन कुछ पूछ रही है अबाउट इन्फॉर्मेशन, देन जैसे हम लोगों को पता चलेगा मैं आपको बता दूंगी। अभी हम लोग यहाँ पे जाने वाले हैं बट पहले हम उनका काम कर लें जो उन्हें करना है, आफ्टर दैट वी विल गो समवेयर। कई सारे पेड़ पौधे गमले और यहाँ पे कुछ घास भी है, इनके ऊपर मैं आई नो चप्पल लेके चल रही हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए बट अभी क्या कर सकते हैं, वी डोंट हैव एनी मोर ऑप्शन कह रही हूँ ऑप्शन। और यहाँ पे सारे प्लांट्स हैं ना, मतलब ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल से क्या बताऊँ, अच्छा लग रहा है इधर थोड़ा बहुत आके। बट यार ये सब ना नेचर देखना अच्छी बात है बट यहाँ पर मतलब कोई खाने पीने की कुछ अवेलेबिलिटी नहीं दिख रही है और कुछ भी नहीं दिख रहा है। सो या बस ये पंछी, ये पेड़ और ये सब भी दिख रहा है। लेट्स सी क्या होता है आगे आगे। और ये एक पैसा बच्चा है, क्या खेल रहे हो आप? चुड़िया? चुड़िया से क्या नाम है आपका? रबेन है। रबेन? रबेन अच्छा है। मेकअप मतलब कहीं पे भी इस बंदे को मेकअप नहीं छोड़ना, ऐसा क्यों आप ही? देखो 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 देखो, खैर कोई बात नहीं, लड़कियों का शौक होता है। हमें नई जगह मिली है फोटोशूट करने के लिए तो पहले हम यहाँ पे फोटोशूट करते हैं, देन वी विल मीट एट द मोस्ट। मतलब यहाँ पे कितना ज्यादा मस्त लग रहा है। तो अभी हम लोग इसके अंदर एंटर कर रहे हैं, हम लोग तब नहीं जा पाए थे क्योंकि इनको इमरजेंसी थी बट अभी जा रहे हैं। सो लेट्स सी कैसा लुक है, जा रहे हैं क्योंकि ये पूरी पूरा ऐसा राउंड सर्कल टाइप का है एंड नीचे मैदान है, गिरे तो हम जान से जाएंगे। गांधी जी की समाधि और ऊपर आसमान का देखो भाई व्यू, मतलब कितना ज्यादा अच्छा है। आई एब्सोल्युटली लव इट। देखो वो मतलब अल्लाह की कुदरत ना बहुत ज्यादा बहुत 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 ज्यादा ऊँची है, आवर एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा। गार्डन वाली जगह का सिनेरियो देखो, तो अभी हम लोग अपने स्लीपर उतार देते हैं सो दैट ये ना एक तो हम लोग रुको भाई रुको 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 यार ध्यान में रखो ये भी चूर जाएंगे। सो लेट्स गो, ऊपर जा रहे हैं है ना, मुझे ऐसा लग रहा है। और यहाँ पे पैर तो देखो भाई थोड़े बहुत गंदे हो गए, मेरी भी और मेरे बाजू के भी और इन दोनों के भी। ये बहुत ही ताजी ताजी अच्छी अच्छी सी हवा, तो अभी हम लोग जा रहे हैं। कैमरा खराब है, बहुत टट्टी है बहुत टट्टी, तो प्लीज गाइस एडजस्ट कर लेना क्योंकि यार होता है ना, अब देखो जितनी कैपेसिटी थी हम लोग उतने ही कर पाएंगे। मैं अपना फोन ला नहीं सकी क्योंकि वो अब्बू का है नॉट मेरा, तो मैं उसको मेरा कैसे बोलूँ। खैर हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं और कहाँ जाते हैं। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लग रहा है, अच्छा रुक जाओ, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो यार प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दो, लाइक कर दो और प्रेस द बेल आइकन और शेयर भी कर दो। कर रहे हैं ये राजघाट का मैदान खाली, तो इस वजह से हम लोग भी जा रहे हैं किसी कैंटीन वगैरह में या कहीं और। सो लेट्स सी, तो ये है आलिया रिजवान। मेरा नाम नहीं बताना, काटो काटो। ऐसे व्यू देखो कितना बढ़िया आ रहा है, देखो रियर कैमरे से देखो कितना बढ़िया आ रहा है यार। हमने नहीं भागते मारे बड़े पसीनों में हुए हुए, मेरा पैर चल गया मेरी हिल्स वेल से, तो फिर हम लोग जा रहे हैं किसी कैंटीन में। और दीदी अभी अपने शू के लेस बांधे क्योंकि उनके शू के लेस खुल गए और उसका कैमरा मैं आपको बार बता रही हूँ बड़ा गंदा है, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लो। या देख रही हैं देखो भाई कैसे भाग रही हैं, वो गाने सुन सुन के बड़ा इंजॉय कर रही हैं वो अपने गानों को। 50 रुपये की पूरी बस मिल रही है ना, कोई मिल रहा है बस। अभी हमने 10 वाली चॉकोबार ली है 20 रुपये में जो कि हम पूरे पूरे लुट चुके हैं। ऑटो से आए, ऑटो में इतना ज़्यादा मतलब क्या होता था, ज़्यादा जाम था और हमने धक्के खाए। हम लोग कभी बस ढूंढ रहे हैं कभी कोई ढूंढ रहे हैं, मतलब जाना बहुत आसान था बट आना थोड़ा मुश्किल हो गया। बट अभी हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया, थोड़े देर खा के पी के देन आई विल शो यू कि हमने क्या खाया क्या नहीं खाया। तो भाई फटाफट चलते हैं ऊपर, फटाफट से हम लोगों से इन्जॉय करते हैं, देन वी विल मीट यू डन विद आवर मील। अभी फटाफट चलते हैं। रात को आके मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी इसलिए मैं ये वाला व्लॉग सुबह एंड कर रही हूँ। अगर आप लोगों को इस व्लॉग में थोड़ा सा ही मज़ा आए तो यार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाना। बाय बाय, लव यू।